मिस एंड मिसेस इंडिया 2019, और जिसके अंदर अलग अलग देशों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, अलग अलग देशों से लोग आए थे, और जिसमें हरियाणा से मैं भी गई थी वहाँ पर। और हमारा फर्स्ट राउंड था कल्चर राउंड, सेकंड हमारा था इंडो वेस्टर्न, और तीसरा हमारा था गाउन राउंड, और जिसके अंदर ये सारी प्रतियोगिता के बाद मैं वहाँ पर विन रही। मैं वहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रही 2019 मिस एंड मिसेस इंडिया डीवा यूनिवर्सल में, प्रथम स्थान मेरा वहाँ पर रहा। अच्छी, वैसे तो मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं कुछ फिल्मी लाइन या मॉडलिंग एक्ट्रेस शुरू से ही था, लेकिन पहले, अब मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, तो 17 साल पहले तो मुझे लगता है कोई स्टेज, कोई डांस एकेडमी ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही तब पेरेंट्स के पास इतना पैसा हुआ करता था कि वो हमें इस लाइन में भेजते। तो ज़िंदगी की एक जो इच्छा थी वो मेरे मतलब दिल के अंदर ही दबी रह गई कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। फिर शादी हुई, तो फिर सबसे पहले मैं शादी के कुछ साल के बाद एक पार्लर में बैठी हुई थी, तो मुझसे किसी लेडीज़ ने आकर कहा कि मैडम आप बहुत फिट रहते हो, आप क्या करते हो? तो मैंने यूं ही मजाक के मूड में कह दिया कि मैं डांस सिखाती हूँ, और जबकि तब मेरी कोई डांस एकेडमी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे घर पर बुलाया कि आप डांस के लिए आओ, और मैंने वहाँ पर डांस सिखाना शुरू कर दिया। फिर डांस सिखाते सिखाते उन्होंने मुझे कहा अपनी अकेडमी बनाओ, तो मैंने अपनी पहली अकेडमी आज से 8 साल पहले CMK कॉलेज रोड पर जस्ट डांस अकेडमी के नाम से खोली। तो अकेडमी में मैं ओनली बच्चों को ही डांस सिखाती थी, बड़ों को नहीं। फिर बच्चों के साथ मैंने लेडीज़ को, लड़कियों को, जेंट्स को, कपल डांस, ऐसे मैंने अपने डांस की शुरुआत करी। तो डांस से सबसे पहले मैंने अपनी पहचान सिरसा में पाई। डांस के बाद फिर मैंने एरोबिक्स, योगा, ये सब चीज़ें शुरू करी। मैंने एंकरिंग शुरू करी। फिर मैंने पिछले साल जो हमारे यहाँ का रामा क्लब है, रामलीला होती है, तो ये लोग पहले बाहर से आर्टिस्ट बुलाते थे, फिर इनको किसी ने मेरा बताया, तो मैंने यहाँ पर अपनी रामलीला में बड़ी अहम भूमिका निभाई, जिसमें मैंने कैकई का रोल किया, सिर्फ नखा का किया, सीता की सखी का किया, डांस की सारी कोरियोग्राफी मैंने करी वहाँ पर, और रानी मंदोत्री का रोल मैंने किया। फिर मंजू शर्मा जी, हमारा ये प्रोग्राम था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नीचू राज में, मिसिस सिरसा का रहा 8 मार्च को, तो मैडम मेरे पास आई, तो मैडम ने मुझे बोला कि मैडम आप पार्टिसिपेट करो। मैं कहा मैडम मैं तो ऐसे जूरी मेंबर जाती हूँ, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। कहने लगे नहीं प्लीज़ इस बार आप करो। तो वहाँ पर मैं मिसिस सिरसा बनी, तो मेरे अंदर से ये हो गया कि यार मैं मिसिस सिरसा बन सकती हूँ, तो मैं इसे हरियाणा में भी ट्राई करना चाहिए। फिर 17 मार्च को हमारा हिसार में ऑडिशन था मिसिस हरियाणा का, तो वो मेरा ऑडिशन भी क्लियर हो गया। फिर 26 मई को मिसिस हरियाणा का फिनाले था गुड़गांव में गोल्डन ट्यूलिप होटल में, जिसके अंदर मोस्ट पॉपुलर मिसिस हरियाणा का अवार्ड मुझे मिला। फिर मेरे को मिसिस इंडिया में जाने की इच्छा हुई कि मुझे मिसिस इंडिया में ट्राई करना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड तो बात की बात है, मैं ट्राई करूँ। फिर मेरे को वहाँ से पता चला कि मिसिस इंडिया का हल्द्वानी में हो रहा है, जिस प्रोग्राम की डायरेक्टर मिसिस अर्चना शर्मा जी हैं, तो फिर मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं और हरियाणा से सिर्फ मैं ही थी, तो फिर मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो मैं अब आपके सामने, आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ पर प्रथम स्थान पर हूँ। ये मेरा सारा सफ़र था वहाँ से वहाँ तक का। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? जी वहाँ पर वैसे तो 1500 लोग थे जिनके ऑडिशंस वगैरह लिए गए, पर फाइनलिस्ट में 21 ही थे लास्ट में, तो 21 में मैं मतलब प्रथम पे रही। आगे मेरी अपकमिंग मूवी है दो, जिसमें पंजाबी मूवी है ठग रिश्तेदार, जिसके अंदर मेरा एक फ्रेंड का रोल है, और जो अपने सिरसा स्टेशन की शूटिंग है वहाँ पर, एक मेरे हिस्से में मेरी माँ, और ये है अपनी बॉलीवुड मूवी। और वैसे इसके बाद जो मेरा आगे चांस है मिसिस वर्ल्ड में जाने का है कि मैं ट्राई करूँगी, मिसिस वर्ल्ड में जाने की ट्राई किया, मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगी इसमें।